गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, हम एकदम मस्त हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं बैग वैग पहने कहाँ जा रहा हूँ। असल में तो मैं आ गया था दिल्ली से, अपने गाँव से पेपर देने के लिए अपने कॉलेज की। तो मेरी लाइफ का फर्स्ट पेपर कॉलेज का मेरा आज है, तो मैं उसे देने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड अपने कॉलेज टाइम के पेपर को देने के लिए। बाकी तो देखा जाएगा बाद में क्या होता है, कॉलेज भी दिखाऊंगा मैं कभी अगर गया तो। जाऊंगा वैसे, मेरे काम है। ठीक है, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो ये रही हमारी रुबीना, बहुत दिनों बाद रुबीना को देखने को मिल रहा है। वहाँ पे टैंकर आ रखा है गाइस, पानी भर रहे लोग, हमने तो भर लिया। चलते हैं फटाफट कॉलेज की ओर, जहाँ मेरा सेंटर है पेपर का। मतलब ये हो जा जरा, मतलब ये दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो नागलोई का फाटक, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश अभी तक, मतलब इसको जब से मैं आ रहा हूँ तब से, बचपन से, मतलब अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। ठीक मतलब यहाँ पे सुधार किया जा सकता है, बाकी वो ठीक किया। काफ़ी ज़्यादा रश है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़। बाकी लोग तो कोई बात नहीं, एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया जा रहा यार, इतना ज़्यादा खतरनाक जाम लगा हुआ है। ट्रेन भी वहाँ रुकी पहले कि भाई तुम्हें अपना ठीक करा लो, ट्रेन भी कह रही पहले तुम्हें निकल जाओ भाई, मैं तो बाद में भी आ लूँगी। एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया जा रहा यार, बाकी तो ठीक है। बहुत ज़्यादा रश है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस, ना ही कुछ, बहुत दुख हो रहा है यार देख करके, संसद बहुत बेकार बात है। और ये देख सकते हैं आप नागलोई की सड़कें। तो गाइस अब मैं बुआ के घर पहुंच चुका हूं, अपनी छोटी फूफू के घर में पहुंच चुका हूं मैं। अब मेरा सेंटर यहीं पे पास में था, मतलब फूफू के घर से पास में, जहां मेरा सेंटर पड़ा था पहले कॉलेज का पेपर देने का। बाकी बस चेंज चुंज कर लिया, हाथ में धो गया था, फ्रेश हो गया था, उसके बाद आराम से बैठ के रेस्ट करता थोड़ा, और कल मेरा पेपर है दोबारा, तो कल की तैयारी करता हूँ। इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ, यहाँ से पास है, मेरे घर से दूर था, चावला से दूर था ये, इसलिए मैं छोटी फूफू के यहाँ कि यहाँ से मैं पेपर दे सकूँ, पास में है ना, इसलिए चलते हैं। एक दिन आपको अपना कॉलेज भी दिखाऊंगा ज़रूर, फिलहाल चलता हूँ मैं रेस्ट करता हूँ। तो गाइस नागलोई में यानी कि दिल्ली में काफ़ी उमदा बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, और बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है काफ़ी खतरनाक।
जैसा कि आपको पता है कि बारिश हो रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज, और मतलब कि मैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है यहाँ पे, और अतुल और अंजुल मेरे भाई जो है वो आइन रखे थे, वो स्कूल जा रखे थे, उनको सरप्राइज मिला, मैं अचानक आ गया, तो अब आ चुके वो, अब तो शाम के 4 बज चुके, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, हवा भी बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है बहुत तेज़, देखो पंडित जी नहा रही हैं यहाँ पे बारिश में, मेरे चश्मा भी गीला हो चुका पूरे बारिश से, बारिश में भीगने में मज़ा आता है मुझे, आपको तो पता ही है कि मेरा और बारिश का कितना गहरा एकदम गहरा रिश्ता है, जहाँ मैं वहाँ बारिश, देखो बारिश में भीगने का मज़ा, तो गाइस अभी हम कर रहे हैं कुछ भी नहीं जलपान, बस जरा हंसी मजाक, तो ये उसको आप जानते होंगे अंजुल, जिसको मैं बुलाता हूँ नकुल, और ये है अतुल यानी सहदेव, फिर से बनाओ सिनेमैटिक सिनेमैटिक, तो गाइस ये है अपन को भी वायरल होना है ऐसे अतुल तो मीम बना देंगे मेरा यानी सहदेव, और बाहर बाहर बुआ और पापा बैठे हुए हैं, और बारिश हो रही है काफी खतरनाक, दरवाजा खुल गया, तो हम लोग पकौड़ी मिठाई और चाय मेरे व्लॉग्स देखकर बहुत दिनों बाद बहुत सालों बाद मिले हैं दो शख्स जिनका नाम है मेलो साइरस और मेलो ड्रैकुला, मेलो टीम पागल वायरल कर रहा है। पापा और गोलू चले गए, तो असल में ये सुबह आए थे यहाँ पे, तो इन्होंने सोचा कि भाई फूफू से मिलके भी चले जाएंगे, अतुल भी जा रहा है, तो फिलहाल अभी हम लोग घर पे हैं, थोड़ी देर में तो आ ही जाएंगे, पास में था गाड़ी पास में खड़ी कर रखी है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मछलियाँ एक्वेरियम में, शार्क जैसी लग रही है क्या होंगी, तो काफ़ी बड़ी, कभी कभी तो इनका साइज बड़ा लग रहा है, कभी कभी छोटा लग रहा है, कुछ यहाँ पे भी है, देखो गाइस अगली सुबह कबूतर स्विमिंग कर रहे हैं वहाँ पे, हुआ यूँ कि मतलब कल था मेरा पेपर एक, उसको मैं दे के आया, फिर आज था मेरा पेपर, उसको भी मैं दे के आया, अब मेरा पेपर है 1 तारीख को, तो कल नहीं है मतलब पेपर, परसों 1 तारीख को उसकी मैं तैयारी करता हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं सोऊंगा नहीं, तो परसों 1 तारीख को पेपर, उसका उसकी तैयारी करते हैं फटाफट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, जो लोग नए हो चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड।